Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 12. Chapter name is Heron's formula. Exercise 12.1, question number 1 for class 9. इसके पहले मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के लिए एक क्लास बना रखा है जिसमें कि वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन किया है. प्लीज़ उस पर एक बार जरूर विजिट करें. क्वेश्चन विच इज गिवन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड. एक ट्रैफिक सिग्नल है, वो एक बोर्ड बना रखा है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड. इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, ध्यान आ गया यहाँ पे. इसको मैंने इसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में कर रखा है. यानी कि वो जो बोर्ड बना हुआ है और इंडिकेशन जो गिवन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप में है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप कहने का मतलब है ये ऐसे जोड़ दूं मैं तो इनके सारे साइड्स जो है वो इक्वल है. विद साइड ए है ना, हमें यहाँ पे जो गिवन है वो वेरिएबल में वैल्यू गिवन, यानी साइड का मेजरमेंट वेरिएबल में गिवन है, वो ए है. इक्विलेटरल है ऑब्वियसली, सारे ए होंगे, इक्वल होते हैं सारे साइड्स. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोंस फार्मूला है ना. मैंने कहा उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि जितनी भी ट्राइंगुलर शेप है या तो फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सबका आप हेरोंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो, बशर्ते कि गिवन हो कि हेरोंस फार्मूला से हमें फाइंड करनी है. अगर हेरोंस हमें हाइट गिवन हो तो हाइट लेकर के जो हमारा जनरल फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे हम फाइंड कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. गिवन क्या है, साइड क्या है हमारा, साइड विच इज ए. तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन में टू विच इज थ्री ए अपॉन में टू है ना. ये हमें फाइंड करना जरूरी है. सेमी पेरीमीटर. ओके, अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, अरे पूरा फॉर्मूला तो क्वेश्चन तो मैंने रीड ही नहीं किया. ओके, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. अब यहाँ दो क्वेश्चन, दो तरह से हमें सॉल्व करना है. एक तो सबसे पहले ए साइड लेकर के हमें फाइंड करना है कि उसके एरिया क्या होंगे. दूसरा फिर हमें पेरीमीटर गिवन है उससे लेकर के हमें फाइंड करना होगा, यानी पहले वेरिएबल फॉर्म में फिर हमें फाइंड करना है न्यूमेरिकल्स फॉर्म में. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बोर्ड इक्वल टू फॉर्मूला लिख दो. फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है. इससे क्या होता है कि आप, एक तो सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है बार बार लिखने से. रिपीटेड जब हम लिखते हैं तो वो रिपीटिंग बाय रिपीटिंग हमें वो लर्न अपने आप हो जाता है. ओके, अब ए बी सी तीनों क्या है हमारा, सेम ही है, जिसे ए बोला गया है ना, उसकी वैल्यू ए है. तो जहाँ पे भी ए है वहाँ पे भी ए लिखेंगे, बी है वहाँ पे भी ए लिखेंगे, सी है वहाँ पे भी ए लिखेंगे है ना. रीजन क्या है कि इनका साइड जो है वो ए दिया है, दैट्स वाई इनको हम तीनों ए बी सी तीनों जगह पे ए लिखेंगे. अब एस से क्या हमारा, एस विच इज 3a अपॉन में 2 इंटू 3a अपॉन में 2 माइनस a इंटू 3a अपॉन 2 माइनस a इंटू अगेन 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2. अब 3, अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 आया और 3a माइनस 2a इससे मल्टीपल हो गया, और सिमिलरली ये सारे हो जाएंगे 3a माइनस 2a अपॉन 2 एंड 3a माइनस 2a अपॉन 2, और इसे हम रूट के अंदर रखेंगे. ओके, नाउ 3a अपॉन 2, अब 3a से 2a को लेस करेंगे तो a, 1a बचेगा बट 1 लिखा नहीं जाता है ना. तो मल्टीपल मैं दे दूं, a अपॉन में 2 मल्टीपल a अपॉन में 2 मल्टीपल a अपॉन में. अब देखो इसे मैं क्या करती हूँ ना, अलग कर लेती हूँ. थ्री, वी कैन राइट लाइक दिस, 3 इंटू ए अपॉन 2 मल्टीपल ए अपॉन 2 मल्टीपल ए अपॉन 2 मल्टीपल ए अपॉन 2. अब ये देखो ये पेयरिंग बन गया है. जब ये पेयरिंग बन गए
तो हम इसमें से एक एक लेंगे। अगर एक लेंगे और तो कैसे आ जाएगा मेरे पास, इसे मैं रब कर दे रही हूँ तो मेरे पास आएगा थ्री। थ्री तो रूट में ही रहेगा, थ्री को अंडर रूट में ही करो, मल्टीपल ए अपॉन टू मल्टीपल ए अपॉन में टू, है ना। दो पेयर में से मैंने एक एक लिया। अब इन दोनों को ऊपर से ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर, सॉरी ए आ गया, टू टू जा फोर एंड रूट थ्री। ये रूट थ्री को बाद देने का, इतना आ गया आपका। इसमें ए लिखा हुआ है तो इसमें हम ए यूनिट स्क्वायर, है ना, या तो स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा ए टर्म्स को लेकर के, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमें गिवन हो और एरिया फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला को लेकर के फाइंड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, है ना। नाउ हमें पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, या इट मीन्स 3a, है ना, 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो a इक्वल टू 180 अपॉन में 3 विच इज 60 सेंटीमीटर। a इसलिए फाइंड किया कि इसमें a है हमारा, बस अब हम कुछ नहीं करेंगे। a ऐसा नहीं कि इतना सारा सॉल्यूशन फिर से करेंगे, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। a हमें फाइंड करना है, a फाइंड करके इस फॉर्मूला पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद आंसर को फाइंड कर लेंगे। ऐसे करोगे काफ़ी लंबा खींचेगा, कर सकते हो, ऐसा नहीं ऐसा करने से, लेकिन क्यों टाइम की वेस्टिंग करनी है ना। हम तो ऑलरेडी सेम ही चीज़ की, अगर इस जो मैंने एरो बनाया उसी एरो का एक तरीका से निकालो, दो तरीके से निकालो, तीन तरीके से निकालो, जैसे भी निकालो एरिया तो उतनी ही रहेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी ए है इस टर्म को यूज़ करके ए की वैल्यू को पुट करेंगे और उससे हम फाइंड कर लेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर चलो रीजन इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 4 रूट 3, ए स्क्वायर विच इज 60 का स्क्वायर, है ना, अपॉन में 4 एंड रूट 3, 60 मल्टीपल 60 अपॉन में 4 मल्टीपल रूट 3, ये हो गया 15 एंड 900 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चाहो तो आप ये 60 जो है वो इस तरीका से पुट करके इस फॉर्मूला पे पुट करके, यानी आपका इसमें आपका जो सेमी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा वो 90 सेंटीमीटर आ जाएंगे ना, 180 अपॉन में 2 करेंगे तो सेमी 90 आ जाएगा। फिर आप पूरा पुट करो 90 माइनस 60, फिर अगेन 90 माइनस 60 मल्टीपल 90 माइनस 60, वो क्या आ जाएगा आपका 90 मल्टीपल 30 मल्टीपल 30 मल्टीपल 30, और फिर उनका पेरीमीटर प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद आप इस तरीके से फाइंड करोगे आंसर, एटलीस्ट फाइनली यही आएगा। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और लाइक और शेयर करना बिल्कुल, और हमेशा याद रखना कि इजी कंसेप्ट को ही यूज़ करो, समझो, है ना, समझने वाली बात है, समझो उसे और समझने के बाद सॉल्यूशन करो कि हम ये इस टर्म को यूज़ करके अपनी टाइम की वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं।